मैं प्रतीक कुमार मिश्रा, डीएवी पब्लिक स्कूल दाऊद नगर का हिंदी शिक्षक। बच्चों, मैं आज कक्षा चतुर्थ के एवं खष्ट के बच्चों को हिंदी के वचन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, चलो जानते हैं कि वचन क्या होता है। वचन जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनकी संख्याओं का पता चलता है उन्हें हम वचन कहते हैं। आओ बच्चों, इस वचन को हम उदाहरण के द्वारा समझें। हिंदी में वचन के उदाहरण, मेरे पास हिंदी की एक पुस्तक है। मेरे पास हिंदी की चार पुस्तकें हैं। पुस्तक जो है वो एक ही शब्द है, दोनों के दोनों संज्ञा है, परंतु उनकी संख्याएं अलग अलग होने से इनका रूप बदल जाता है। इसी संज्ञा के इसी रूप को हम वचन कहते हैं। तो एक बार पुनः हम इसे देख लेते हैं बेटा। संज्ञा के जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, प्रथम एकवचन और द्वितीय बहुवचन। एकवचन, जिन संज्ञा शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एकवचन कहते हैं। उदाहरण पुस्तक, बच्चा, कपड़ा इत्यादि। इन सभी संज्ञा शब्दों से बच्चों हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है। दूसरा है बहुवचन, जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, कपड़े इत्यादि। इन सभी संज्ञा शब्दों से बच्चों देखो हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। आओ हम एक वचन और बहुवचन को एक साथ समझें कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसे लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। लड़की एक वचन है, यहाँ पर एक लड़की का बोध हो रहा है। यहाँ लड़कियां अनेक लड़कियों का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। जूता, इस संज्ञा शब्द से एक जूते का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन जूते। यहाँ पर कई जूतों के बारे में जूतों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुवचन है। तितली एक वचन, तितलियां बहुवचन। बच्चों, आज तुम लोगों ने वचन के बारे में अध्ययन किया। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उन्हें एक वचन, और जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। बच्चों, आज का गृह कार्य है निम्न शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। पहला बल्ला, पौधा, पत्ता, कमरा, ताला, नदी, घोड़ा, मछली, साइकिल, जानवर। इन सभी शब्दों का आपको गृह कार्य में वचन बदल कर लिखना है, और आप सभी बच्चों कक्षा पंचम के चतुर्थ के सभी बच्चों को और खष्ट के सभी बच्चों को अपने अपने माता पिता को इस गृह कार्य को दिखाना है। धन्यवाद।